myself Nisha. Welcome to all of you on this online platform of Vidya Guru. आज की क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मेंसुरेशन, जिसके अंदर एरिया, वॉल्यूम, पैरामीटर, साइड निकालनी, लॉन्गेस्ट साइड, ये सारे के सारे जो भी हमारे पास टर्म्स रहती हैं, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ये सारी टर्म्स जो भी रहती हैं सबकी सब किस में कैलकुलेट होती है, सबकी सब किस में काउंट करते हैं हम लोग मेंसुरेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रमिति. इस वाले टॉपिक को हम स्टार्ट करने वाले हैं. इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, इसके कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो एसएससी के अलग अलग एग्जाम्स में, अलग अलग डेज में, अलग अलग शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चंस हैं. उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग यहां पर क्लियर करेंगे, उन सबका हम लोग यहां पर सॉल्यूशन करेंगे. अगर किसी क्वेश्चन की कोई शॉर्ट ट्रिक बनती है तो उसको शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे. अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो शॉर्ट ट्रिक से लॉजिकल नहीं बनता है, उसको हमें मेथड से ही करना पड़ेगा, तो हम वहां पर उसको मेथड से देखेंगे. इस टाइप से करते हुए सारे के सारे क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट करेंगे. और कोई क्वेश्चन अगर ऐसा हो जिसमें दोनों लग सकती है, तो वहां पर शॉर्ट ट्रिक प्लस में मेथड, दोनों चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे. स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को. क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें. स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, इसको रीड करते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखो क्या दिया है. The cost of leveling a circular park at rupees इतने is इतनी. ठीक है, level करना है, इसका मतलब क्या, area निकालना है. ठीक है, what is the cost of this 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 this. ठीक है, सबसे पहले देखो area निकालना है, है ना. कैसा है, circular, यानी कि area of circle क्या होता है, pi r square, pi r square. values put करें यहां पर, एक second ना, देखो पाई कितना है हमारे पास, 22/7. ठीक है, आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर कितना है हमें नहीं पता. ठीक है, इसको आर स्क्वायर रख लो. ठीक है, कितना है, 6.50 लगता है. और टोटल कॉस्ट कितनी आती है, 36,600. ठीक है, पाई आर स्क्वायर है और ये है एक के लिए, पाई आर स्क्वायर है एक मीटर स्क्वायर का कॉस्ट. ठीक है, और कितना रुपए लगता है, 6.5 रुपए लगते हैं. तो टोटल खर्चा कितना आएगा, 36,036. यहां से काटापिटी करना स्टार्ट करते हैं और आर की वैल्यू निकालेंगे. ठीक है, यहां से देखो कितने पे जाएगा, 11 से इसको हम कर सकते हैं 6 और 0 और 6 3 9 चला जाएगा, है ना. इसको कर लेते हैं हम लोग 11 2 22, और ये जाएगा हमारे पास में 11 3 33 3 11 2 22, और यहाँ से कितना 8 11 7 और कितना 77 3 3 6 66, है ना. इसके अलावा ये जाएगा हमारे पास में 5 और ये 5 से जाएगा कितने पे, 13 13 से जाएगा 13 2 26 और कितना 6 13 5 65 13 2 26. आर स्क्वायर कितना आएगा हमारे पास, 7 × 252. अब देखो यहां पर ना ध्यान से देखना, एक 7 तो है हमारे पास में, इसका मतलब 252 में से 7 हम बाहर निकाल सकते हैं, है ना. तो क्यों ना इसको मैं 7 से डिवाइड करूं, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 7 × 7 = 21 4 = 42. तो आर कितना आएगा, 7 × 42, यानी कि रेडियस कितनी आएगी हमारे पास में, 42. त्रिज्या की वैल्यू कितनी आएगी, 42. अब क्या निकालना है, इसने बोला है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पुटिंग अ फेंस, है ना. जब भी फेंसिंग करनी हो तो उस केस में क्या निकलता है, पैरीमीटर. फेंसिंग वाले केस में क्या निकालते हैं हम लोग, पैरीमीटर, परिमाप. अराउंड इट एट द कॉस्ट ऑफ 18 रुपीज पर मीटर. सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, देखो फेंसिंग कर रहे हैं, यानी कि सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस होगी 2πr, रेडियस कितनी है 42, और 1 मीटर पर फेंसिंग करने के 18 रुपए कॉस्ट आती है. तो इतने मीटर फेंसिंग करनी है तो कितनी कॉस्ट आएगी, यहां से 7 से जाएगा 6 × 6 = 12 12 × 24, इसको यूनिट डिजिट से कर ले, 2 × 4 6 = 24 4 8 = 32 आएगा लास्ट में, है ना. लास्ट में यानी कि यूनिट डिजिट पर कितना 2 आएगा, जो कि हमारे पास एक ही ऑप्शन है जिसके लास्ट में, जिसकी यूनिट डिजिट पर, जिसके इकाई के अंक पर कितना दे रखा है, 2. यानी कि हमारा जो आंसर है, हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या बनेगा, 4752. कितने रुपीज का टोटल खर्चा आएगा, 4752 रुपए का टोटल खर्चा आएगा. हमारा जो आंसर होगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी. इसी तरह से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. इसमें क्या दिया गया है,
इसने बोला है द सम ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस एंड द हाइट ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर इज इतना. सम दे रखा है किसका, रेडियस का, ठीक है, और किसका, हाइट का. इन दोनों का टोटल कितना है, 17 दे रखा है. इफ द टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर आर प्लस एच, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 748 सेंटीमीटर स्क्वायर. देन द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज, है ना, 2 पाई आर आर प्लस एच की वैल्यू हमें ये दे रखी है और हमसे पूछा क्या गया है, देन द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज, एच की वैल्यू हमें यहां से फाइंड आउट करनी है. सॉल्व करते हैं, देखो 2 एज इट इज पाई 22/7, आर हमें पता नहीं, आर प्लस एच की जगह पर ये पुट कर देते हैं जो कि कितना है, 17 है, इक्वल्स टू 748. यहां से क्या करें, कुछ नहीं, काटापिटी मचानी है, सबको काट पिट के यहां से आर की वैल्यू निकालनी है. 7 × 14 = 15 में से 4, 11 से चला जाएगा 2 पे, ये जाएगा 11 × 6 = 66 और 11 से जाएगा 8 पे, है ना, ये जाएगा हमारे पास में 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8 और ये फिर से कितने पे जाएगा, 2 से 17 पे, है ना, 17 से 17 कैंसिल, यानी कि रेडियस कितनी आएगी यहाँ से हमारे पास में, 7 सेंटीमीटर. अब क्वेश्चन ने पूछा था हाइट कितनी है, आर की जगह पर यहाँ पर 7 पुट करेंगे तो हाइट कितनी आ जाएगी हमारे पास में, 10 सेंटीमीटर. हाइट की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में यहाँ से, 10 सेंटीमीटर, जो कि हमारा ऑप्शन पड़ता है ऑप्शन नंबर डी. इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चले, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या बोला है क्वेश्चन ने, देखो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड दैट कैन बी फिटेड इन अ बॉक्स ऑफ डायमेंशन दिस 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 दिस, है ना. जब भी हमें लॉन्गेस्ट साइड निकालनी हो, जब भी हमें किसी भी फिगर की लॉन्गेस्ट साइड निकालनी हो, इसका मतलब हमें उस फिगर का क्या निकालना है, डायगोनल निकालना है. क्यों, किसी भी फिगर की, क्यूब होगी, क्यूबोइड होगी, उसका हमेशा लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है, उसका डायगोनल होता है. कैसे हम इस चीज को याद रखें, देखो बचपन में जब हम लोग नई पेंसिल लेते थे, न्यू पेंसिल लेते थे, उसको हम ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर डालते थे, ठीक है, जैसे ये पेंसिल है उसको ज्योमेट्री बॉक्स में डालते थे, वो आती नहीं थी, है ना, आती नहीं थी क्योंकि वो ज्यादा लेंथ होती थी उसकी, तो उसको हम ऐसे टेढ़ा करके डालते थे, फिर उसके अंदर फिट हो जाती थी. इसका मतलब टेढ़ा जो है वो लंबी साइड है एज कंपेयर टू स्ट्रेट लाइन, है ना, स्ट्रेट जो लाइन है उससे ज्यादा लंबी उसकी टेढ़ी वाली लाइन है, और जो टेढ़ी वाली लाइन है उसका मतलब क्या है, वो टेढ़ी लाइन को ही तो डायगनल बोलते ना. इसका मतलब क्यूब क्यूबॉइड के अंदर जो उसका डायगनल है वही उसकी लॉन्गेस्ट साइड होती है, ठीक है. आप देखो, यानी कि हमें क्या दे रखा था, लॉन्गेस्ट फिटेड इन द बॉक्स ऑफ द डायमेंशन दिस दिस दिस, यानी कि हमें इनडायरेक्टली क्या निकालना है, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड. इनडायरेक्टली क्या निकालना है, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड. फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर. लगा दो यहां पर कितना आएगा हमारे पास में, 200, यहां से कितना 12 का 144 और यहां से कितना पड़ेगा हमारे पास में, यहां से कितना आएगा हमारे पास में 100, कितना बचेगा यहां से, इसको 44, 6 × 4 = 10, ठीक है, और 5 × 4 = 9 और 1 = 10, 2 × 3 = 4, 400 और ये 100 कितना हो जाएगा, टोटल 500. ये टोटल कितना आएगा हमारे पास में, इसको इरेज करके लिख देते हैं, टोटल कितना है अंडर द रूट 500, है ना, 10 बाहर आएगा, अंदर कितना बचेगा, 10√5. आंसर कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में, 10√5, दैट इज अवर ऑप्शन नंबर. ध्यान रखना, लॉन्गेस्ट साइड जब भी पूछ रखी हो तो कंफ्यूज मत होना कि क्या निकालना है. जब भी लॉन्गेस्ट साइड हो, याद करना ज्योमेट्री बॉक्स वाला एग्जांपल, और हमें पता है क्या निकालना है, डायगोनल निकालना है, क्योंकि डायगोनल ही लॉन्गेस्ट साइड होती है, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बोला है. A cuboidical metal plate of 1 cm thickness, this breadth and this length is melted to form a cube. जब भी हमें क्वेश्चन के अंदर ये वर्ड देखने को मिले, क्या, मेल्टेड टू अ फॉर्म ऑफ क्यूब, है ना, मेल्टिंग या फिर रिकास्ट या फिर पिघलाकर बनाया जाता है, इस टाइप के जब भी वर्ड देखने को मिले तो हमें कुछ भी नहीं करना, जो भी दो फिगर दे रखी हैं उन दोनों की वॉल्यूम को हमें बराबर रखना है, उन दोनों की जो
वॉल्यूम है उसको, आयतन जो है उसको हमें बराबर रखना है, दोनों को इक्वल पुट करना है। क्यों? जैसे मान लो यही है, ये पेन है, मैं इसको मेल्ट करके कोई और शेप बनाती हूँ। मान लो मैं छोटा सा, छोटी सी बॉल जो है स्फेयर की शेप देती हूँ, तो वो स्फेयर जो है उसका साइज इसी पे तो डिपेंड करेगा ना, कि जितनी इसकी कैपेसिटी है, जितनी इस पेन को पिघलाकर मुझे जितना प्लास्टिक मिलेगा, उतने ही प्लास्टिक से मैं वो बॉल बना पाऊंगी ना, कोई कम ज्यादा तो कर नहीं सकती। इसी वजह से जब भी हमें इस टाइप का क्वेश्चन हो कि एक शेप को पिघला करके दूसरी शेप बनाई गई है, तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, दोनों की वॉल्यूम को इक्वल पुट करते हैं। ठीक है, यहां पर देखो क्या है, क्यूबोइडिकल मेटल इतना 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 फॉर्म द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, तो दोनों की वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होती है, एल इंटू बी इंटू एच, और यहां से क्या आएगी हमारे पास, ए क्यूब रख दो, लेंथ कितनी दे रखी है 1 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 9 सेंटीमीटर, और ये क्या है 81 सेंटीमीटर, बराबर है ए क्यूब के। यहां से 9 और सी को क्या लिख सकती हूँ, 9 into 9, इस 9 को मैं ना स्प्लिट कर लेती हूँ, इस वाले 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को 3 × 3, अच्छा 81 दे रखा है, ओके ओके, इसको 9 की फॉर्म में ही रखते हैं क्योंकि क्यूब की फॉर्म में निकालना है इंस्टेड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, 9 एज इट इज, 81 को 9 इंटू 9 इक्वल्स टू ए क्यूब, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 9 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी 9 सेंटीमीटर। निकालना क्या था हमें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, TSA ऑफ क्यूब हमें निकालना है। TSA ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a² ए स्क्वायर कितना 81, 8 × 6 = 48, यानी कि 8 486, 486 cm². आंसर कितना आएगा यहां से हमारे पास में, 486 cm², दैट इज आवर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th, इसमें देखो क्या दिया है क्वेश्चन ने, The length and the breadth of a rectangle field are in the ratio this and this. If the cost of cultivating the field at the cost of rupees 2 per meter is rupees 600, then the length of the field is. ठीक है, कल्टीवेटिंग का दे रखा है, यदि 2 रुपए मीटर स्क्वायर की दर से खेत की जुताई की जाती है तो 600 रुपए है। ठीक है, यानी कि एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें निकालना है, क्या होता है एल इंटू बी, है ना, लेंथ कितनी दे रखी है 4x, इंटू में ब्रेथ कितनी है 3x है, और रेट क्या है 2 रुपए पर मीटर स्क्वायर, और टोटल कॉस्ट कितनी आती है 600। यहां से काट लेंगे, देखो 3 × 2 = 6 कट के क्या बचेगा 100, और 4 से जाएगा कितने पे 25 पे, यानी कि x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 25, इसका मतलब x कितना है 5 है। पूछा क्या था, खेत की लंबाई कितनी है, यानी कि हमसे पूछी गई है लेंथ कितनी है, है ना, लेंथ कितनी दे रखी थी क्वेश्चन ने, ओके 4, है ना, लेंथ कितनी है 4x, x की वैल्यू है 5 × 20, आंसर कितना आएगा, लेंथ कितनी आएगी हमारे पास में 20 सेंटीमीटर, नहीं मीटर दे रखी है, ओके इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, लेंथ कितनी आएगी हमारे पास में 20 मीटर। अगर ब्रेथ पूछी होती तो कितनी आती, मैं यहां लिख देती हूँ, तो कितनी आती हमारे पास में 5 × 15 मीटर, दोनों निकाल सकते हैं लेंथ भी और विड्थ यानी कि ब्रेथ भी, जो भी पूछ रखा है उसको हम निकाल के सीधा टिक करेंगे। यहां से इस वाले क्वेश्चन का यानी कि क्वेश्चन नंबर 5th का राइट आंसर क्या बनता है हमारे पास में, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 20 मीटर। इसी तरह से आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर देखो क्या दिया गया है, How many bricks are required to build a इतने meter long, इतने meter high and इतने centimeter thick wall if each brick measures इतना इतना इतना। ठीक है, important question है, एक इसी type का question आता है, उसमें पूछा जाता है कि कोई wall है उस पर हमें ना tile चिपकानी है, तो tile का measurement दे देंगे और उस wall का दे देंगे, तो number of tiles भी पूछ सकता है और number of bricks भी पूछ सकता है, हमें दोनों आने चाहिए। फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला सेम है, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास में, क्या क्या दे रखी है इसके अंदर, इतना इतना इतना, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वॉल कितनी है, ठीक है, और यहां पर आएगी वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक कितनी है,
ठीक है, यहां से निकाल लेते हैं इस वाले फॉर्मूले के अंदर पुट करके देखो कितना क्या आएगा। वॉल्यूम ऑफ होल क्या होती है, एल इंटू बी इंटू एच, 21 क्या है मीटर, ओके सब क्या है सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ये भी कितना आएगा 1200 सेंटीमीटर और ये क्या है 36 सेंटीमीटर, ठीक है। और नीचे कितना आएगा यहाँ से ब्रिक का कितना आएगा हमारे पास में, कितना दे रखा है मैं इक्वल्स टू में ले लेती हूँ, एन नंबर ऑफ ब्रिक्स हैं और कितना आएगा 28, 18 और 6। इसके डायमेंशन क्या है 28, 18 और 6। यहां से काटापीटी स्टार्ट करेंगे और वैल्यू निकालेंगे, देखो दो से ये कटेगा कितने पे, तीन पे, है ना, तीन चौक 12 और फिर दो जीरो, चार से चार सात 28 और ये जाएगा सात या 21 और दो जीरो और ये आएगा दो और दो चार जीरो, यानी कि आंसर कितना आएगा हमारे पास में 30,000। आंसर कितना आएगा 30,000। टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट कितनी है 30,000, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवेंथ में देखो क्या दिया है। इससे बोला है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन इज इतना, है ना, सर्कुलर कोन का ओके द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सर्कुलर कोन, यानी कि TSA ऑफ कोन हमें दे रखा है, ठीक है, TSA ऑफ कोन पाई आर आर प्लस एल, है ना, ये हमें दे रखा है। इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज इतने टाइम्स ऑफ द टोटल सरफेस एरिया। CSA क्या है TSA का, TSA का कितना है 4/5 टाइम्स है, यानी कि 5 से कितने पे जाएगी, 5 एकम 5, 1 5 3 15 4 और 5 8 40, 5 से जाएगा 6 पे, है ना, 5 एकम 5 और 1 5 3 15 और कितना 4 5 8 40 5 6 30, यानी कि 6 चौक 24 2 8 चौक 32 34 यानी कि 3 4 3 12 15 4 एकम 4 और 1 5, आंसर कितना आएगा 5544। CSA कितना आ गया हमारे पास में, CSA की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 5544। क्वेश्चन ने पूछा क्या है, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन, है ना, निकाल लेते हैं CSA क्या होता है पाई आर एल, पाई आर L, है ना, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, ठीक है, रेडियस कितनी है हमारे पास में नहीं पता, ठीक है, L कितना है हमारे पास में वो भी नहीं पता, है ना, L कितना है हमारे पास में वो भी नहीं पता, बट हमें ये पता है ये बराबर किसके हैं, इक्वल्स टू किसके आएगा 5544। और ऐसे ही हमारे पास में ऊपर क्या बच रखा है, इसको हम लोग ये कर लेते हैं, इसको अभी हम खोलेंगे नहीं, इसको हम फॉर्मूले की ही फॉर्म में लिख लेते हैं। देखो यहां से कितना आएगा हमारे पास में, इसको चेंज करके लिखते हैं रेड से, ठीक है, यहां पर कितना आएगा अगर मैं इसको करूं तो पाई आर स्क्वायर प्लस में पाई आर एल, ठीक है, यहां से क्या है ये पाई आर एल की वैल्यू है हमारे पास में ये, यानी कि पाई आर स्क्वायर प्लस में पाई आर एल, इसमें से मैं सी एस ए को माइनस कर दूं, यानी कि हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू कितनी थी 6930, इसमें से सी एस ए को अगर हम सब्ट्रैक्ट करा दें तो यहां पर क्या बचेगा हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ पाई आर स्क्वायर, और यहां पर कितना 6 2 और यहां पर कितना 8 और यहां कितना बचेगा 8 में से 5 गया 3 और यहां कितना आएगा हमारे पास में 386। इसको सॉल्व करेंगे आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 386/22 और यहां पर कितना का 7 6 3 9 और यहां से कितना 8 1, इसको कर लेते हैं 2 से जाएगा कितने पे 11 पे और ये जाएगा 2 एकम 2 2 निमे 18 2 3 6 4 और 5 बचेगा, है ना, यहां से कितना आएगा 193/11, यहां से एक बार इसको क्रॉस चेक करते हैं 6 14 9 में से 4 5 1 भी आएगा 1300, यहां से कितना आएगा हमारे पास में 1386, इसको हम लोग नोट कर लेते हैं ये कितना आएगा 1386, है ना, एक सेकेंड ओके, यहां कितना आएगा 1386 बटे में 22 और इंटू में कितना है 7, 6 3 9 9 11 से जाएगा 11 पे 2 पे, ये जाएगा हमारे पास 11 एकम 11 और 2 11 दुनी 22 11 छीके 2 से जाएगा 2 छीके 12 2 तिया 6, है ना, 7 तिया 21 और यहां से कितना आएगा हमारे पास में 7 छीक 42 और कितना 44,
सात से कराने, सात या 21 दो, सात छिक 42 और कितना 44, यानी कि 441। ये लेकिन किसकी वैल्यू है, आर स्क्वायर की वैल्यू है ना। ये वाली वैल्यू किसकी आई है हमारे पास में, आर स्क्वायर की। पूछ क्या रखा था, व्हाट इज द डायामीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन। आर स्क्वायर की वैल्यू अगर हमारे पास ये है तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, 21। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है इसका डायामीटर हमसे पूछ रखा है, वो कितना आएगा, 42, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट ऑप्शन, है ना। थोड़ा सा एक बार फिर से रिकॉल करा देती हूँ, थोड़ा सा लेंथी पड़ा है। देखो टीएसए दे रखा था, क्वेश्चन ने बोला है सीएसए जो है वो टीएसए का 4/5 है, हमने निकाल लिया 4455 आंसर आएगा। ठीक है, अब देखो क्या टीएसए को ऐसे लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर प्लस पे पाई आर एल लिख सकते हैं। अब मैं टीएसए में से मैं यहां लिख देती हूँ टीएसए माइनस सीएसए। टीएसए में से अगर हम सीएसए को माइनस करेंगे तो यहां पर बचेगा हमारे पास में पाई आर स्क्वायर और यहां पर बचेगा 1386। पाई को नीचे लाएंगे काट पीट के, यानी कि आर स्क्वायर की वैल्यू आई है 441। तो आर की वैल्यू कितनी, 21, और डायमीटर कितना आ जाएगा फिर इसका, मतलब 42, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस पर करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर। इसमें देखो क्या दिया गया है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज इतना। सीएसए ऑफ कोन क्या होता है हमारे पास में, पाई आर एल। इसने कितना दिया है, 25√2 और फिर पाई। ठीक है, इफ द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द बेस, हाइट जो है वो रेडियस के बराबर है, देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन हमें निकालनी है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होती है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसकी वैल्यू हमें यहां से निकालनी है। ठीक है, निकाल लेते हैं। देखो पाई आर एल इसके बराबर है, सबसे पहले तो पाई से पाई कैंसिल, ठीक है, आर और एल बचता है हमारे पास में, है ना, आर और एल बचेगा हमारे पास में, और एच जो है वो आर के बराबर है। क्या हम एल को ऐसे लिख सकते हैं, एल इक्वल्स टू अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। आर तो हमारे पास यहां पर है ही, और R जो है वो बराबर किसके दे रखा है, H के, है ना। यानी कि देखो अंडर द रूट R स्क्वायर और H को भी क्या लिख सकते हैं, R, यानी कि ये भी क्या होगा, R, यानी कि R प्लस R कितना, ट्वाइस ऑफ R स्क्वायर। तो R का तो स्क्वायर हट जाएगा, यानी कि रूट टू आर के बराबर क्या है, L है। इतना सब करके क्या पता चला कि L की वैल्यू किसके बराबर है, रूट टू आर के। यहां अगर मैं पुट करूं तो देखो क्या आएगी, यहां से पुट करेंगे R एज इट इज, L की जगह पर क्या लिख सकते हैं, रूट टू आर बराबर किसके है, 25√2 के। रूट दो से रूट दो कैंसिल, आर स्क्वायर की वैल्यू 25 है, यानी कि आर की वैल्यू कितनी आएगी, 5, है ना। यानी कि आर की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में, यहां से इसको इरेज कर देती हूं, आर की वैल्यू कितनी आएगी, 5। ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या पूछ रखा है उस पर चलते हैं। वॉल्यूम, ओके, वॉल्यूम निकालने का क्या है, 1/3 पाई कितना, 22/7। आर स्क्वायर रेडियस कितनी है, 5 का स्क्वायर 25 इनटू में एच। एच किसके बराबर है, आर के, यानी कि इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 5। कुछ कट नहीं रहा है ना, 25 5 ओके, कुछ नहीं घट रहा है ना यहाँ से, 125, और यहाँ से कितना बनेगा हमारे पास में, 250 की 11 से कराएंगे, 250 की हम लोग 11 से कराएंगे, ये बनेगा 5 2 7 2 और 0 बाय में 21। यहाँ से काटेंगे 21 से जाएगा 1 पे, यहाँ से काटेंगे तो आंसर आएगा हमारा 130.95। आंसर कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में, 130.95, दैट इज अवर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या बोला गया है। द एरिया ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड विद साइड दिस दिस एंड दिस इज इक्वल टू 15 टाइम्स द एरिया ऑफ द सर्कुलर गार्डन, है ना। इतने इतने भुजाओं वाले भुजाकार मैदान का क्षेत्रफल एक वृत्ताकार बगीचे के क्षेत्रफल के 15 गुना के बराबर है, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल का 15 टाइम्स जो है वो एरिया ऑफ
ट्रायंगल के बराबर है। निकाल लेते हैं, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, जब भी इतनी भयंकर भयंकर इतनी बड़ी बड़ी डिजिट्स हमें दे रखी हो तो साफ सीधी बात है राइट एंगल ट्रायंगल की ही साइड दे रखी होंगी। 99.5% केसेस में ये राइट एंगल ट्रायंगल की ही साइड हमें दे रखी होती है, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट। हाइट को बेस और हाइट का कैसे पता करेंगे, जो सबसे बड़ी साइड है उसको छोड़ दो, वो तो हाइपोटेनियस होने वाली है, बची हुई दो है उनमें से किसी को भी बेस मान लो और किसी को भी हम लोग हाइट मान लेते हैं, ठीक है। किसके बराबर है, इज इक्वल टू 15 टाइम्स द एरिया ऑफ द सर्कल, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू में आर स्क्वायर, है ना। आर स्क्वायर हमें यहां से बेसिकली निकालना है। काटा पिटी करना स्टार्ट करें, देखो 2 से जाएगा 11 पे, या इसको रहने देते हैं अभी के लिए, इस 2 को रखते हैं, ये जाएगा कितने पे 10 पे, और 2 से जाएगा कितने पे फिर 5 पे, 5 से जाएगा कितने पे 3 पे, ये जाएगा 3 साथ 21, है ना। यानी कि आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में, 77 को मैं लिख सकती हूँ 11 गुना 7, 77 को हम लोग लिख सकते हैं 11 गुना 7, और ये 7 आएगा ऊपर, यानी कि आर की वैल्यू कितनी आएगी 7√11। आर की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 7√11 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर गार्डन, इसका डायमीटर निकालना है तो कितना आएगा 14√11 सेंटीमीटर। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 14√11 सेंटीमीटर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th जो कि आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। इसमें देखें, इसमें बोला था एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 10 एंड 15 सेंटीमीटर, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड इज 6 सेंटीमीटर देन द डिस्टेंस बिटवीन इट्स लॉन्गर साइड्स, है ना। दो जो पैरेललोग्राम की जो दो एडजेसेंट साइड्स दे रखी है उसमें एक तो है 10 की और एक है 15 की, और उनके बीच में जो द डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड के बीच का डिस्टेंस कितने का है 6 सेंटीमीटर का है, और निकालना क्या है हमें longer side, distance between the longer side. Longer side में जो distance है वो हमें निकालना है। Adjacent sides दे रखी है, इसका मतलब देखो, इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास में 15 into इसको मान लेते हैं h2, ठीक है, और यहां से कितनी 10 दे रखी है, और इसको मान यहाँ पर डिस्टेंस यानी कि h1 कितना दे रखा है 6। कुछ नहीं करना, बस काटा पिटी करके हमें h2 की वैल्यू निकालनी है। 5 से जाएगा 3 पे, ये जाएगा 2 पे, 3 से जाएगा फिर से 2 पे, h2 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में यहाँ से 4 सेंटीमीटर, है ना। जो हाइट है उसके भी हाइट ही बोलेंगे ना, उनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इसको हम जिसको हम हाइट के नाम से जाना जाता है उसकी वैल्यू कितनी आएगी 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर क्या रहेगा यहां से हमारे पास में, ऑप्शन नंबर बी। इतने ही क्वेश्चंस थे आज की हमारी क्लास में, आज हमने कंप्लीट किया है। हमारा जो टॉपिक था जिसका नाम था मेंशुरेशन, उसके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट, कुछ सिलेक्टेड, कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस थे जो अलग अलग एग्जाम्स में, एसएससी के जो अलग अलग एग्जाम्स हुए हैं, अलग अलग डेज पर हुए हैं, सारे के सारे मिक्स क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सबको हमने कंप्लीट किया है। आई होप सारे के सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, हर एक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।